अब बीजेपी और कांग्रेस में बड़ी कांटे की टक्कर है मोदी जी की जो इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी है जी। वो पॉपुलैरिटी बरकरार है कांग्रेस इंप्रूव जरूर हुआ है लेकिन उस पैमाने तक नहीं पहुंचा है कि जिसको जीत कहा जा सकता है राहुल गांधी टिल ट्वेंटी अपोजिशन लीडर कोई बदलाव होने वाला नहीं है दो तक बीजेपी की सरकार रहेगी इसमें कोई दो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ क्या इमरान खान को बुलाएंगे भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने अपने घर पे बुलाया गणपति के लिए जाना उसके इंटीग्रिटी में सवाल पैदा होता है केजरीवाल और मोदी को टक्कर भाई दिल्ली दिल्ली हरियाणा पार्ट ऑफ हरियाणा पंजाब ये छोड़ के इस आदमी कहाँ है मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र में उनका कोई प्रभाव पड़ेगा दिल्ली में भी उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आज की तारीख में जो पार्टी सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुन के लाएगी वो बाप रहेगी नमस्कार मैं हूँ आरती कुलकर्णी वन इंडिया हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है ये साल चुनाव का साल है चार राज्यों में चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र हरियाणा कश्मीर झारखंड ये चुनाव के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए है महाराष्ट्र के जाने माने पत्रकार उदय निर्गुड़कर जी सर बहुत, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदय निरगुड़कर जी बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स के प्रमुख भी रह चुके हैं वो सैफोलॉजिस्ट भी है और महाराष्ट्र में वो लेखक है वक्ता भी है उदय जी पहले तो बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो सभी तज्ञ ऐसे बोल रहे थे कि महाराष्ट्र हैज बिकम महा मैस कुछ भी बात नहीं कर सकते क्या यही स्थिति विधानसभा चुनावों में भी है उससे ज्यादा हो गई है जैसे कि एक सैटेलाइट से हम पिक्चर लेते हैं वो उस क्षण का नैनो सेकंड का रहता है और दूसरा लिया दूसरे नैनो सेकंड का तो अलग चित्र रहता है उसी तरह से महाराष्ट्र के राजनीति का जो चित्र है वो हर क्षण बदलता जा रहा है नए नए इश्यूज आ रहे हैं कुछ इश्यूज वाइप आउट हो रहे हैं नई हस्तियाँ आ रही हैं कुछ हस्तियाँ वाइपआउट हो रही है तो ये बदलता हुआ बदलती हुई तस्वीर है महाराष्ट्र की और इतना प्रवाही राज, राजनीति का दौर मैंने महाराष्ट्र में कभी नहीं देखा था जो इस चुनाव में हमने हम, हमको देखने को मिल रहा है सर छह रंग है महाविकास आघाड़ी है महायुति है महायुति में भाजपा है एकनाथ शिंदे का गुट है और अजीत पवार है और महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस है उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और भी बहुत सारे पक्ष है राष्ट्रवादी है शरद पवार की तो क्या महाविकास आघाड़ी और महायुति इनके संघर्ष में क्या देखने को मिलेगा छह रंग नहीं यहाँ पे बारह रंग है <laughs> क्योंकि हर एक पार्टी का महाविकास आघाड़ी का जो एक उम्मीदवार होगा वैसे ही महाविकास आघाड़ी के जो जिन पक्ष जिस पक्ष का उम्मीदवार नहीं होगा उसके दो जो रिबेल होंगे वो रिबेल भी यहाँ पे रहेंगे लेकिन वो चिन्ह पर नहीं लड़ेंगे लेकिन उन्हें उस पार्टी का समर्थन मिल सकता है ऐसे स्वाभाविक है ऐसा होना वही महायुति में भी हो सकता है तो वो एक हो गया तीसरा राज ठाकरे है उसके बाद प्रकाश अंबेडकर कुछ चुनाव आ, कुछ सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं वो है उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर जिसको एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहेंगे वो निर्दलीय उम्मीदवार इस चुनाव में बहुत सारी क्षति पहुंचाने की क्षमता में पहुंच गए क्योंकि मराठा आंदोलन के मनोज जरांगे भी है या उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव में उम्मीदवार खड़े करूंगा ये बोलना और उम्मीदवार खड़े करना इसमें बहुत बड़ा अंतर है इनके कई विधान ऐसे हैं कि जिनके ऊपर विश्वास करना अब बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि उनकी मांग एक थी और उनका अटैक एक था वो मांग मराठा आरक्षण की कर रहे थे लेकिन उसके लिए उनकी जो लैंग्वेज थी उसका स्तर तो छोड़िए लेकिन उसका जो केंद्र बिंदु था वो केंद्र बिंदु मराठा आरक्षण की बजाय देवेंद्र फडणवीस रह चुका था तो ये बोलने वाला आदमी कौन था या बुलाने वाला आदमी कौन था ये सारी चीजों की वजह से उनकी जो विश्वासारेडिबिलिटी है है, वो कम हो गई है और ये इशू का जो परिणाम था वो परिणाम अब दिन-ब-दिन सीमित होने लगा है। जी। और सर, लोकसभा में हमने देखा कि मराठा बनाम ओबीसी ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला क्या विधानसभा में भी ये चित्र दिखेगा ये चित्र बहुत कम पैमाने पे होगा मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरह खत्म हो चुका है ऐसा नहीं है, नहीं है। नहीं। ये ये बहुत कम पैमाने पर दिखाई दे रहा है क्योंकि मराठा समाज को ये पता चल गया है कि शायद जो रास्ते से चरंगे जा रहे हैं या उनका ऑब्जेक्टिव जो है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं या वो बात कर रहे हैं या वो एक फसाद है और बोलने वाला कोई और है उनसे इसकी वजह से उनका जो एक इम्पैक्ट है वो कम होते जा रहा है जैसे ये कम होते जा रहा है जो जाति विधेयक गतिविधियाँ हैं वो भी कम होती है सर दिखे एक तरफ मनोज जरांगे है और एक तरफ ओबीसी के नेता छगन भुजबल है तो दोनों की क्या मांगे है और उसका कोई मिडिल पॉइंट हो सकता सिंपल है सिंपल मांग है जरांगे अपने जो मराठा भाई हैं जो पिछड़े हुए हैं जो एक एक समय गांव चलाते थे लेकिन आज वो वो क्षमता में नहीं है दो वक्त के अनाज के लिए मोहताज है ऐसे लोगों के लिए वो आरक्षण के जरिए उनके उत्थापन की बात कर रहे हैं और छगन भुजबल कह रहे हैं कि उनका उत्थापन कीजिए मुझे कोई उससे एतराज़ नहीं है हालांकि मैं उसके समर्थन का हूँ कि उनका उत्थापन होना चाहिए लेकिन उनके उत्थापन के लिए जो आरक्षण ओबीसी को मिला है सत्ताईस तक का उसको विस्थापित मत कीजिए हमारे आरक्षण को आप हाथ मत लगाइए तो हमको छोड़ के हमारा घर आप इंटर इंटैक्ट रख के आप अपना घर बनाओ हमें कोई एतराज नहीं है ये बहुत बड़ा इशू है जाति का भी लेकिन आपको क्या लगता है सर जैसे महाविकास आघाड़ी ने बहुत बड़ी जीत पाई थी लोकसभा में विधानसभा में भी ऐसी स्थिति रहेगी या मोदी फैक्टर बहुत काम आएगा मोदी तो चुनाव में प्रचार में आएंगे तो मोदी फैक्टर बिल्कुल रहेगा हिंदुत्व का मुद्दा जरूर रहेगा शिवाजी महाराज का जो पुतला सिंधुदुर्ग में खड़ा किया गया था उसका गिरना और उसके बाद की सारी राजनीति या फिर विशालगढ़ में जो हुआ वो चीजें हैं तो हिंदुत्व का मुद्दा तो पक्का आने वाला है विशालगढ़ में जो हिंसाचार हुआ, हिंसा था। हुआ था उसका एक मुद्दा आने वाला है तो हिंदुत्व का मुद्दा सौ टका इसमें चर्चा को आएगा इसमें कोई दो राय नहीं है जी सर आपने शिवाजी महाराज के के पुतले की बात की बात आपको क्या लगता है हर टाइम महाराष्ट्र राजनीति में शिवाजी महाराज का मुद्दा आता है लेकिन क्या सचमुच शिवाजी महाराज की लेगेसी महाराष्ट्र में हम चला रहे हैं बिल्कुल नहीं चला रहे हैं मैं तो मैं तो मैं तो पूरी तरह से मानता हूँ कि शिवाजी महाराज का जो राज था जो उनके जो उनका समय था उसमें जाति के आधार पे कुछ चीज़ें नहीं हुई थी सब जाति के लोग इकट्ठा होके भगवे ध्वज के ध्वज के तले हिंदुत्व के लिए लड़े थे लेकिन आज उसको जातियों में बांटने की राजनीति चल रही है ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है यह शिवाजी महाराज की लिगेसी तो बिल्कुल नहीं है जी सर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो शरद पवार देवेंद्र फडनवीस नितिन गडकरी ये राष्ट्रीय स्तर के नेता है अभी अभी फिलहाल नितिन गडकरी का एक स्टेटमेंट आया था नितिन गडकरी जी का कि एक विरोधी नेता है उन्होंने उनको प्रधानमंत्री पद की ऑफर दी थी लेकिन उन्हें उसने उन्होंने उसको नकारा था तो क्या ये नितिन गडकरी की स्टेटमेंट का जो टाइमिंग है आपको क्या लगता है चुनाव के चलते ऐसे प्रकार की चीज़ें होना कोई अचरज वाली बात नहीं है और नितिन गडकरी जैसे व्यक्तित्व को उनके कार्यकर्तृत्व को आ, कोई अगर विरोधी पक्ष सलामी देता है और कहता है कि आप मुखिया बनो उसमें भी कोई अचरज वाली बात नहीं है इट इज ऑल ये नैसर्गिक है इसमें कोई आ, मैं ज़्यादा ये नहीं करता लेकिन Uh, जो इंक्लूसिव नेचर है उनका उसकी वजह से सब पार्टियों का काम उन्होंने जो किया है उसकी एक रसीदी टिकट है मैं कहता हूँ इसको नहीं। नहीं। लेकिन ये चुनाव के वक्त क्यों आ रहा है क्योंकि चुनाव में ऐसे मुद्दे आते हैं जी। चुनाव में है या इसलिए आप इसके ऊपर मेरे को सवाल करती है अगर ये दो साल तीन साल पहले होता तो शायद इंटरव्यू में सवाल भी नहीं आता तो ये सारे चुनाव के टाइम तो होता ही रहेगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि संघ की विचारधारा को गडकर कुछ जिंदगी में कुछ कर सकते हैं जी सर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो न्यायमूर्ति जो हमारे चीफ जस्टिस है वो महाराष्ट्र से है और गणेश उत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी <laughs> उनके घर गए थे गणेश दर्शन के लिए और प्रधानमंत्री का पहराव जो था वो महाराष्ट्रियन था महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं तो सब विरोधी पक्ष विरोधी पार्टीज बता रही है कि ये लोकशाही के मूल्यों का पालन नहीं है तो आपका इस बारे में क्या लोकेश है मूल्य खत्म होने की कहा बात है सर चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस है हाँ। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है तो च, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ क्या इमरान खान को बुलाएंगे क्या वो मोहम्मद यूनुस को बुलाएंगे भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने अपने घर पे बुलाया या प्रधानमंत्री उनके घर पे गए और वो महाराष्ट्र पहनावा गया आप मुझे बताइए एक महाराष्ट्र के घर जा रहे हैं महाराष्ट्र पहनावा करके महाराष्ट्र में इसको बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट किया जाता है तो महाराष्ट्र पहन के, के तो आपको क्या लगता है वो मुस्लिम ड्रेस पहन के जाना चाहिए नहीं सर ये हिंदुत्व का मुद्दा ही नहीं है ये लोकशाही के संकेतों का मुद्दा है। इसमें क्या संकेत का भंग हुआ बताओ मुझे इसमें कौन से संकेत का भंग हुआ मैं इसको आई एम नॉट गोइंग टू पुट वन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द अदर आर्ग्यूमेंट के देखो मनमोहन सिंह ने एक इफ्तारी रखी थी उसको उस टाइम के सीजीआ गए थे ये सारी बातें वन अगेंस्ट मैं नहीं कहता क्या जुडिशरी इस देश की एग्जीक्यूटिव जो जो पॉलिसी मेकर प्राइम मिनिस्टर है या कोई, इनके साथ हर बार झगड़ा लू मोड़ में ही रहे क्या उनके वैयक्तिक संबंध क्या उनके धार्मिक श्रद्धाएं एक समान नहीं हो सकती हम क्यों चल के चल रहे हैं कि ये, ये होना ही नहीं ये, ये, अच्छा हुआ वो गए उसकी वजह से जो स्टूडियो सेक्युलरिस्ट जो लोग थे ना वो सब बाहर आ गए और वो दिखाई देने लगे कि क्या होता है उसमें क्या बड़ी बात बातमूर्ति चंद्रचूड़ के इंटीग्रिटी पर सवाल उठाए कैसे इंटीग्रिटी के सवाल है गणपति के लिए जाना उसके इंटीग्रिटी पर सवाल पैदा होता है अगर वो होना था तो बहुत सारी चीजें आपको बतानी होगी मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में गणपति के लिए जाने से या एक साथ आरती करने से किसी की इंटीग्रिटी की पे सवाल वो क्या होता है ना मेरे पक्ष में अगर उन्होंने जजमेंट दिया तो वो अच्छे हैं वो बड़े हैं वो राम शास्त्री हैं अगर मेरे खिलाफ दिया तो वो बिके हुए हैं ये ये सब बातें चलती रहती है आप किस पक्ष का और किस पार्टी के किस प्रवक्ता का जिक्र कर रहे हो यह भी मानता है उसके प्रवचन सुबह मराठी आदमी सुनते और देखते रहता है चैनल पे मैं उसको ज्यादा महत्व नहीं देता प्रधानमंत्री मोदी जी की एक अलग स्टाइल है हाँ। लेकिन सर अरविंद केजरीवाल का जो मुद्दा है जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की राजनीति चलती रहती है महाराष्ट्र में इतना आपका प्रभाव नहीं है फिर भी हर मराठी लोगों को वोटर्स को अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत क्यूरियसिटी है कि अगर मोदी को कोई टक्कर दे सकते हैं तो केजरीवाल तो दिल्ली की राजनीति महाराष्ट्र से जुड़े आप कैसे देखते हैं केजरीवाल और मोदी को टक्कर भाई दिल्ली हरियाणा दिल्ली पार्ट्स ऑफ हरियाणा पंजाब ये छोड़ के इस आदमी कहाँ है तो ये पूरे समूचे रा, राष्ट्र में जो पार्टी फैली हुई है उसके साथ टक्कर कैसी हो सकती है अगर बीजेपी को, को कोई टक्कर है तो आज की तारीख में कांग्रेस को है कांग्रेस को कहीं पे कोई टक्कर वो जहां पे शासन में है राज्य में तो कौन टक्कर दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है आप जब महाराष्ट्र में आई थी तो एक नेता ने बहुत अच्छा डायलॉग बोला था जो आज मुझे याद आ रहा है कि आप अगर यहाँ आ रहे तो ठीक है आने दो आपको आप वो है तो हम बाप है तो मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र में उनका कोई प्रभाव पड़ेगा दिल्ली में भी उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि जो मॉडल पंजाब में उन्होंने विकसित किया था जो जिस प्रकार के रेवड़ी कल्चर को उन्होंने लाया था कि ये फ्री वो फ्री वो फ्री ये फिजिबल नहीं है सर रेवड़ी कल्चर का तो एक अलग ही कंट्रोवर्सी है लेकिन अरविंद केजरीवाल को बेल मिला है मनीष सिसोदिया को मिला है संजय सिंह को मिला है तो मतदाताओं की सिंपथी भी मिल सकती है बेल मिला है रिहाई नहीं मिली है बेल और रिहाई में बहुत अंतर बहुत होता अंतर है।, है तो ये बेल मिला है इसका मतलब है उनके ऊपर के आरोप जो हैं, वो आरोप खारिज नहीं हुए हैं उनको फिर भी उन आरोपों के खिलाफ अपनी जो पेशगी है वो उनको करनी ही पड़ेगी लेकिन सिंपति तो मिलेगी केजरीवाल जी को सिंपति लाने की वो पूरी कोशिश करेंगे सिंपति मिलेगी ऐसा नहीं कह रहा हूँ सिंपति लाने की वो पूरी कोशिश करेंगे और जिसको हम नॉन गिल्टी वो खुद को करने के लिए जरूर इसके ऊपर बात करेंगे और वो स्वाभाविक है जो आदमी बेल के ऊपर बाहर आता है वो हर एक आदमी बेल के ऊपर बाहर आने के बाद मैंने कोई गुनाह नहीं किया था कोई ऐसे कहेगा कि मैं गुनाह किया है ऐसा ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी चुनाव सर पे है कोई ऐसा बोलेगा बिल्कुल नहीं बोलेगा तो वो वैसा बोलेंगे कोई उसमें ये नहीं है केजरीवाल इंडिया आघाड़ी का हिस्सा है इंडिया अलायंस का हिस्सा है और वो महाराष्ट्र में भी आते रहते हैं आपने जैसे बोला कि वो आप है तो हम बाप है तो महाराष्ट्र में इस बार बाप कौन महाराष्ट्र के बाप आज की तारीख में जो पार्टी सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुन के लाएगी वो बाप रहेगी वो आज की तारीख में आज की तारीख में सबसे ज्यादा पार्टी जो ज्यादा सीट लड़ेगी और जिसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा होगा इसमें आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक नेचुरल एडवांटेजेस पोजीशन में है क्योंकि उनके 107 आए लास्ट टाइम और सबसे ज्यादा सीटें भी वो लड़ेंगे तो लोकसभा में बीजेपी की बहुत बड़ी हार हुई थी लोकसभा और विधानसभा चुनाव सेम होता है नहीं, बहुत फर्क है। तो उसमें बहुत फर्क होता है तो ये जो फर्क है यही फर्क उनको एक एडवांटेज देता है कि वो अपने जो क्षति हुई थी उसको सुधारने की कोशिश करें तो वो बिल्कुल इस पे दे वन बीजेपी नंबर वन बीजेपी दूसरे नंबर के लिए कांग्रेस और एक नाथ शिंदे में बहुत बड़ी टसल रहेगी कौन कौन आएगा तो उसमें से जो नंबर दो और तीन रहेंगे फिर उसके बाद के नंबर के लिए जो जो टसल रहेगी वो शरद पवार की पार्टी उसमें ये रहेगी एक देखिए शरद पवार जी को एक क्रेडिट आपको देना चाहिए वो एक क्रेडिट है कि उन्होंने सीटों के बंटवारे को लेके कोई बड़ा इशू मसला लोकसभा में नहीं खड़ा किया जी। उन्होंने स्ट्रेटेजिक सीटें मांगी कम सीटें मांगी दस सीटें सिर्फ की तब उस वक्त शब्द लिखा हुआ था कि ये क्या पार्टी है बाकी के लोग तो उनसे भी ज्यादा मांग रहे कोई शिवसेना के ऊपर कर रहे थे देखो कितने सीटें लड़ रही है स्ट्राइक रेट देखिए आप शरद पवार जी का 90 परसेंट स्ट्राइक रेट है विच इज वेरी हाई एंड विच इज वेरी क्रेडिबल ये एक अच्छे राजने एक एक चुनाव जीतने वाली राजनीति की राजनीति का लक्षण है आज की तारीख में वो भी उम्मीदवार और बाद सबसे बाद में उद्धव ठाकरे एंड अजीत पवार क्योंकि अजीत पवार कम सीट लड़ेंगे और अब उनके पार्टी का जो चलन रहा है आज की तारीख में उसके चलते लग रहा है कि वो और उद्धव ठाकरे में एक टसल रहेगी कि कौन ज्यादा सीटें लेके आएगा सर ये बहुत नंबर जो आप कह रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स अगर एक नाथ शिंदे आगे जाते हैं और उद्धव ठाकरे बहुत पीछे रह जाएंगे तो क्या होगा शिवसेना ये, ये जो नंबर है ना ये सैटेलाइट से आज दिख रहा है आज दिख रहा है लेकिन महाराष्ट्र की जो राजनीति की सिचुएशन है नैनो में बदल रही है लेकिन सर बहुत सर्वे बता आज रहे है। हम, आज आज ना देखिए महाराष्ट्र की राजनीति का निर्णय होगा, वो तो अलग है, वो तो के होगा। लेकिन राजनीतिज्ञों का निर्णय उसके बाद आएगा जो 2019 में विधानसभा के बाद देखने को मिला सात एक के लड़े थे और दूसरे के रखे तो ये रिपीट नहीं होगा ऐसा नहीं है hmm. देखिए ये बिल्कुल रिपीट इस टाइम भी हो सकता है सो इट्स इट्स गोइंग बी आफ्टर द वर्डिक्ट देर विल बी अनदर रिवॉल्ट एंड देर लॉट ऑफ चेंजेस विल विल सी लेकिन सर उद्धव ठाकरे को अगर कम सीटें मिलती है तो बहुत चिंता की बात है उनके लिए हर एक पार्टी को चिंता होनी चाहिए hmm. हर एक पार्टी अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगी और उसी वक्त वो सेंटर में जाने की सेंटर मतलब नॉट दिल्ली बट सेंटर ऑफ द सर्कल में जाने की कोशिश करेगी तो एवरी पार्टी विल फेस दिस डायलेमा कि दे विल हैव टू बी स्ट्रांगर एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम और हमारा सहयोगी जो है वो हमसे आगे ना जाए ऐसी मंशा तो सब पार्टी की होगी अलायंस में जो भी है तो अलायंस में क्या ऐसा नहीं है कि उन उनके बीच भी कॉम्पिटिशन नहीं है दे विल बी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एज वेल एज ये बहुत पेचीदा मामला है लेकिन ये चलता रहेगा बारह रंग, रंग है इसमें <laughs> और कई जगह पे तो उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। देखिए है, एक टिपिकल तीन साढ़े तीन लाख का ये है।, कौंस्तिट्योंस 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 है। ये है उसमें आप जो भी वोटिंग दो ढाई लाख का वोटिंग होगा वो दो लाख ढाई लाख में जो लाख सवा लाख पाएगा जगह पे तो मैंने दिखा सकता हूँ लास्ट टाइम अभी वो विषय नहीं है सत्तर पचहत्तर हजार लेने वाला जीत गया है जी, जी। अब देखिए यहाँ पे एक एमबीए का कैंडिडेट और एक महायुति का कैंडिडेट उसके बाद महायुति का बंडखोर रहेगा और इसमें इसका भी रिबेल रहेगा रहे और शायद दो दो बागी रहेंगे इधर भी दो, दो बागी रहेंगे फिर राज ठाकरे जी का कैंडिडेट रहेगा फिर प्रकाश अंबेडकर का रहेगा और एक कोई ऐसा रहेगा जो दो तीन हजार वोट लेके जा सकता है इनका कैलकुलेशन और इनका एडिशन अगर करे तो शायद विनिंग मार्जिन से वो ज्यादा रह सकता है सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कौन कहाँ जाएगा कैसे जाएगा अभी कुछ नहीं बता सकते तो कोई जो सर्वे है मैं उस सर्वे को एक मूड के तौर पे लेता हूँ नंबर के तौर पे नहीं लेता एक मूड दिखाई दे रहा है मूड मूड जरूर बता सकता है सर्वे कि आज के तारीख में लोग क्या मूड में हैं सर मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की जीत होने की संभावना थी तो इलेक्शन पूरी पलट गई थी और बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव में उतारा था लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह चौहान ने की थी उसका बहुत फायदा हुआ था क्या महाराष्ट्र में भी मोदी अपना मैजिक फिर से दिखा पाएंगे और लाडली बहन योजना लाडली बहन जो जो योजना महाराष्ट्र में है एक हुँ. तो है कि यह बहुत पॉपुलर हो गई है इस पर कोई दो रानी है इसमें कुछ ऐसे इंस्टेंस हो सकते हैं जहाँ पे उसका कुछ में उसमें कुछ चर्चा है। लेकिन चालीस पचास टक्का ऐसा नहीं है कई जगह पे कुछ जगह पे ऐसा होता होगा की जिसका परिणाम जिसका उसमें कुछ धांधली हुई हो लेकिन ओवरऑल इफ यू से दैट स्कीम इज वेरी पॉपुलर अब अब राइडर आता है अब इसमें जो स्टार आता है ना इसमें कंडीशंस अप्लाई ये कब कारगर होती है चुनाव में जब जो लाभार्थी है उसको ये लगे कि इन पार्टियों की वजह से मुझे ये पैसे मिले या यह लाभ मिला है सेकंड एक इम्पेटस आना चाहिए उनमें एक मोटिवेशन आना चाहिए कि इसके लिए मैं चुनाव के दिन बाहर पड़ू और इनके नाम पर ठप्पा लगाऊ नंबर तीन वो पार्टी मैकेनिज्म होना चाहिए जो उनसे लगातार संपर्क में रहे और उनको चुनाव तक ले जाए और कोई बड़ा हादसा चुनाव के बीच और इसके बीच ना हो ताकि उनका मत परिवर्तन मत, मन परिवर्तन हो तो ये सारी कंडीशन अप्लाई है तो ये पहले एक तो एक फेवरेबल इमेज हो गई क्या सौ टका फेवरेबल इमेज हो गई है और महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों के बराबर है महिलाओं के वोटिंग है जो लगातार पुरुषों की जो जिस संख्या से पुरुष परसेंटेज में बढ़ रहे हैं उससे महिलाओं का ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका एक एडवांटेज पक्का है लेकिन क्या यह एडवांटेज मतों में और क्या यह मत सीट में परिवर्तित होगा इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जरूरत है जी महाराष्ट्र की बात जब होती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी और मतदाता इन सब की भी बात होती है तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र के चुनाव में और बाकी भी राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या रोल होगा देखिए भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी नेता जो हैं वो उस मातृ विचारधारा से आए इसलिए के गंगोत्री है और गंग, गंगा भी आती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी रहती है उपनदियां भी बहुत सारी रहती है उसी तरह ये सब एक वृक्ष की तरह या एक विशाल भूभाग की तरह ये सब दिखाई देता है तो ये सारे जो नेता हैं वो उसी विचारधारा से आए हैं ये रिश्ता बिल्कुल बदलने वाला नहीं है ना कल बदला आज बदला ना परसों कल परसों बदलने वाला है हाँ एक हो सकता है कि एखाध व्यक्ति कोई चीज ऐसा बोल दे कि जिससे ऐसा ध्वनित हो कि हमें आपकी जरूरत नहीं या हम आपसे अलग है वगैरह लेकिन वो उस व्यक्ति का उस क्षण का उसी परिपेक्ष में उसको अब उसका कॉन्टेक्स्ट देख के उसके ऊपर बात करते मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कोई अगर भगवान के परे किसी को समझता है तो वो गलत है उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया इसका संबंध जो, जो जोड़ा गया ना नाम जोड़ा नहीं आप ही ने कहा तो उसको जोड़ना क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसी के ऊपर कह रहे हो ये ये कितना ठीक है इसके बारे में सोचना चाहिए मुझे लगता है कि वो एक टिप्पणी थी वो एक ऑब्जर्वेशन था और जो ऑब्जर्वेशन सार्वकालिक है अगर उसको आप सही पक्ष में देखें तो आपको पता चलेगा कि एक सार्वकालिक कमेंट है वो एक टिपिकल कमेंट कोई नहीं है नहीं। लेकिन अगर आप उसको जोड़ना ही चाहती हैं तो बिल्कुल जोड़ सकती है वो मातृ संस्था का अधिकार हो सकता है कि जो अपने विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को अपने निहित कर्तव्यों के बारे में और उनके दायरे के बारे में सक्षम करें निहित कर्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है लेकिन सर भाजपा ने जब अजीत पवार को साथ में लिया था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के जो फॉलोअर्स हैं, उनसे एक थोड़ी कड़वी रिएक्शन भी आई थी बिल्कुल। और भाजपा की हार भी हुई थी आज, आज भी वो कड़वी रिएक्शन है ऐसा नहीं है कि वो कड़वी रिएक्शन जैसा कि वो बीजेपी में है वैसी रिएक्शन राष्ट्रवादी के खेमे में भी जो उनके वोटर्स हैं उनके पास में भी, भी है क्योंकि इन दो पार्टियों का बेसिकली जो माइंडसेट सेट है जो स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्टिव्स है जिसके लिए वो आज तक खड़े हुए थे लड़े हुए थे उसमें एक विरोधाभास है तो क्या तो वोटर्स एक्सेप्ट करेंगे अजीत पवार जी को? वही तो मैं आ रहा हूँ अजीत पवार के पार्टी का वोट डायरेक्ट एकनाथ जी की तरह ट्रांसफर होगा ऐसा उनके पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं है उनके पार्टी का स्ट्रक्चर अलग है एकनाथ जी का क्योंकि विचारधाराएं मिलती जुलती है पच्चीस तीस साल साथ में काम किया है तो वो वोट ट्रांसफर करना शायद उनके लिए और उनकी जो पकड़ है एकनाथ जी की अपने पार्टी के ऊपर उनकी जो खुद की लोकप्रियता है उससे वो सहज स्वाभाविक है शायद यहाँ पे उनकी पार्टी की कमान नए दौर से संभाली है उन्होंने तो उसके लिए उनको समय लगेगा शायद तो एक एक अलायंस करना अपने आप में बात होती है लेकिन अलायंस क्यों किया ये अपने लोगों को समझाना और समझा के उसके लिए राजी करना दूसरी बात होती है मुझे लगता है कि जो दूसरी बात है कि ये क्यों किया और इसकी जो आवश्यकता थी इसके बारे में जो कम्युनिकेशन है वो और इफेक्टिव और और ज्यादा मात्रा में करने की दोनों पक्षों का आवश्यकता है तो अजीत पवार महायुति के साथ ही रहेंगे अकेले नहीं लड़ेंगे मैंने आपको कहा है कि ये जो आज की राजनीति का चित्र है हम अभी ये बुलेटिन कर रहे हैं तो उसमें एक पार्टी के नेता हम बोलेंगे कि वो इस पक्ष से है तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा बुलेटिन खत्म होने तक या चर्चा खत्म होने तक वो उसी पार्टी में रहे ये अभी विचारधारा के ऊपर चलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है तो ये सब राजनीति के रंग है जो रंगों की होली अभी अपने को दिखाई देने वाली है रंगों की होली महाराष्ट्र में मराठी लोगों को महाराष्ट्र के लोगों को कश्मीर जाना बहुत अच्छा लगता है और कश्मीर में कुछ भी हो Election हो और भी कोई मुद्दा हो तो हमारी नजरें जाती है, पर, शिकारा पर. सर, क्या लगता है आपको कि कलम 370 हटाने के बाद कश्मीर में पहली बार असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं क्या बीजेपी अपनी पकड़ कश्मीर में रख पाएगी कई सालों तक कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल था अब जाके चुनाव होने जा रहे हैं जो अपने आप में डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जीत है वहां चुनाव होना ही जी। ये बीजे बीजे, बीजेपी बीजेपी के लिए या देश के लिए बहुत गर्व की बात और है इवन फॉर दी अपोजिशन के लिए भी अब इसमें जो स्टेट फैक्टर जो प्लेयर्स हैं उसमें दो विषय हैं एक तो वैली है विच इज जम्मू विच इज कश्मीर का भाग है और एक जम्मू का है दोनों में लगभग तिरालीस करके नाइन्टी का सीट उनका पूरा आता है वैली में बीजेपी का जोर कम है और जम्मू में बाकी किसी भी पक्ष का जोर कम है वहां बीजेपी की सब सत्ता या उसी का बोलबाला चल रहा है तीसरा एक फैक्टर इस चुनाव में है वो है रशीद इंजीनियर का जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को परास्त किया था उनकी पार्टी वैली में चर्चा में है और वो जो है उनका जो एजेंडा है वो एजेंडा आज की तारीख में जो लग रहा है जो स्टेटमेंट उनके या प्रचार हुआ है उसको अगर हम देखें तो वो एंटी नेशनल नहीं लग रहा है वो एक एक मुख्य धारा में उस प्रदेश को लाने के बाबत उसके, उसके जो है वो वो लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये तीसरा फैक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट रशीद इंजीनियर किसके साथ जाएंगे उन्होंने ओमर अब्दुल्ला को हराया था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और रशीद इंजीनियर मुझे नहीं लगता वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जा नहीं जाएंगे उनका आइडियोलॉजिकल जो ये है और वो भी चाहेंगे कि उनके स्टेट में जो प्रगति देखने को मिल रही है अब मैं जिस कंपनी में डायरेक्टर हूँ एनएचपीसी उसके अब तीन काम तो वहाँ पे बहुत हाइड्रो इलेक्ट्रिक बहुत बड़े प्रोजेक्ट काम चल रहे हैं और दो हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं मतलब जो बिजली दे रहे हैं मैं बहुत बार वहाँ जाता हूँ आजकल होटल में रूम मिलना मुश्किल हो गया है ठीक है तो, तो ये जो डेवलपमेंट हुई ना वो डेवलपमेंट इंजीनियर रशीद इंजीनियर कायम रखना चाहेंगे लेकिन सर क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे मुझे लगता है कि ही विल चूज दिस इन द नेशनल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर अच्छा तो कश्मीर के लोगों की और एक बड़ी मांग है कि हमें स्टेट हुड चाहिए मतलब सेपरेटिज्म की बात तो बहुत अलग है लेकिन हमें स्टेट हुड चाहिए हमारी प्रोग्रेस चाहिए वो केंद्र सरकार से नाराज भी है तो लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखिए स्टेट हुड की बात या नाराज होने की बात कुछ गुप और कुछ गुप्तकार आंदोलन वाली जो जीवी हैं वही कर रहे हैं हुँ. मुझे नहीं लगता आज की तारीख में आ, ये अलगतावाद को कोई पनाह वहाँ पे दे रहा है ऐसा कोई एनवायरनमेंट वहाँ पे बिल्कुल नहीं है हुँ. मैंने श्रीनगर में रात को 11 बजे शॉपिंग की है हुँ. जो आ, मतलब लाल चौक में तो इम्पॉसिबल था ग्यारह बजे रात में मैंने वहाँ पे खाना खाया है जो इम्पोसिबल था आज की तारीख में ये ये इसी की की बात बात हो हो रही रही है स्थैर्य डेवलपमेंट डेवलपमेंट की बात हो रही है, देवल्ण देवल्ण है।, हो रही है। वैली के कुछ इलाकों में चित्र आज भी सुधारने की आवश्यकता है ये सारी चीजें मुझे लगता है इस चुनाव में लोग इसके ऊपर वर्णित दे देंगे एक अहम मुद्दा है सर कश्मीरी पंडितों का क्या कश्मीरी पंडित फिर से कश्मीर जा पाएंगे वहां रह पाएंगे वहाँ एक मिली जुली सी उनका, उनका ये जो वातावरण नब्बे इलाके में नबेज के समय था वो पूरा आ, उस वक्त के मास एक ने और फोर्स एकजोरस ने आ, और जो भी किलिंग्स हुए उसकी वजह से ये सब हुआ गंजू जी की हत्या हुई बहुत सारी चीजें हुई ये सारे डॉक्यूमेंटेड है इसके ऊपर फिल्में भी बनी गई है मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडितों को वहां जाना बसना ये शांति और विकास प्रक्रिया का एक भाग है पंडित गए इसका मतलब है प्रक्रिया पूरी हुई क्या बिल्कुल नहीं, नहीं।, नहीं। पंडित जाना उतना जरूरी है लेकिन वो एक हिस्सा है ऑफ द टोटल कड़ी का टूरिज्म आना चाहिए इंडस्ट्री आनी चाहिए एजुकेशन आना चाहिए सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो आना चाहिए अभी टाटा का एक इंटेलिजेंस सेंटर वहाँ पे एक्सलेंस सेंटर वहाँ पे आ गया है ये किसका लक्षण है बताइए मुझे तो ये सा, ये सारा चीज और मुख्य प्रवाह से जुड़ना ताकि आपको अलग न दिखाई दिया जाए ये सारी चीज़ें मुझे लगता है अहम है उसमें एक कड़ी पंडितों की है मुझे लगता है कि दैट विल हैपन एट द एंड ऑफ दी डेवलपमेंट एंड पीस प्रोसेस नॉट एट प्रोसेस। जी ये कश्मीर की बात है में आपको क्या लगता है कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बड़ा बीजेपी की सरकार है और झारखंड में कांग्रेस अलायंस की सरकार है दोनों जगह पे एक एंटी इनकम बंसी का माहौल अ, है ऐसा करके अपोजिशन उसके ऊपर चित्र ला रहे लेकिन मुझे लगता है कि सेंटर के साथ जाने की जो एक एडवांटेज होती है उस विषय के ऊपर यहाँ पे वोटिंग बड़े पैमाने पे होने के चांसेस की बात तो है, मैं, मैं, मैं है।, है।, है आज की तारीख में होगा, जो भी मुझे, और दूसरे पार्टी का मतलब जो आप अभी सत्ता में है उसका पूरा सफाया होगा मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से वर्डिक्ट होगा इट विल बी क्लोज फाइट इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइट कांग्रेस और आप भी yes, एक दूसरे yes, के खिलाफ लड़ yes, रहे हैं yes, बीजेपी है इट विल बी अ वेरी आप ज्यादा प्रभाव कर सकता है ऐसा मुझे नहीं लगता इस बार लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में बड़ी कांटे की टक्कर है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रस पॉइंट ऑफ टाइम मैं नहीं मानता कि यह वन साइडेड होगा हरियाणा में भी नहीं होगा और झारखंड में भी नहीं होगा सर झारखंड में जैसे हेमंत सोरेन को भी जेल में भेजा गया था केजरीवाल जैसे चंपाई सोरेन ने भाजपा में एंट्री की है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्सेस बीजेपी क्या चित्र दिखेगा आदिवासी इलाकों में आदिवासी इलाकों में जिस तरीके से मुझे लगता है कि फाइट हो रही है कई जगह पे आ, इट्स नॉट टू फाइट्स इट्स फाइट्स तो मतों का विभाजन उसमें होने के चांसेस हैं तो वो कैसा होता है ये आज की तारीख में प्रडिक करना बड़ा मुश्किल लग रहा है लाभार्थी योजना के जो भी लोग हैं उनको क्या बीजेपी बाहर ला सकती है या इससे अच्छे लाभ हम देंगे क्या कांग्रेस कन्विंस कर पा, पा, पाती है आ, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रहेगी वहाँ पे नेशनल uh, इशू नहीं है यहाँ पे लोगों के uh, जो वहाँ के लिमिटेड इसका विकास है क्षेत्र का विकास है ये मुद्दे बहुत चर्चा में किसानों का आंदोलन उसी 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 को लेके सारा ये होगा कि अग्निवीर के बारे में जितने भी आ, आरोप लगे हुए थे क्या वो आरोप सही है या इस आरोप में कोई तथ्य नहीं ये जो कन्विंस करेगा ना उसको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है आज की तारीख में दोनों ने जम के प्रचार करना इसके यही एक हमें दिखाई दे रहा है सर जब मोदी गवर्नमेंट तीसरी बार आ गई है सत्ता में चंद्रबाबू नायडू है नीतीश कुमार की पार्टी भी उनके साथ है तो ऐसे बोला जा रहा था कि जब बिहार में इलेक्शंस होगी दिल्ली में इलेक्शंस होगी तो बाद में पता चलेगा इस सरकार का भविष्य क्या है तो इन चार राज्यों के चुनावों का क्या परिणाम होगा अभी अंग्रेजी में कहावत है शॉर्ट इन दि तो अगर ये चुनाव में बीजेपी जीतती है तो दिट विल बी अट इन सो ऑब्वियसली राष्ट्रीय स्वर जो उनका रहेगा वो और नेशनल लेवल पे और एक महाराष्ट्र ऐसा बड़ा राज्य अगर उनके साथ आता है या जम्मू कश्मीर में सरकार फॉर्म कर सकते हैं तो ऑब्वियसली कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक ऐसा बोलने के लिए उनको एक सुविधा मिलेगी अगर हार हुई तो अगर महाराष्ट्र अगर बचा नहीं अगर पाए तो। अगर वही तो मैं आ रहा हूँ अगर इसकी हार हुई तो शायद उसका एक कड़ा इंट्रोस्पेक्शन होगा कि ये सब क्यों हुआ कैसे हुआ क्या हुआ कहाँ नीतियाँ गलत गई और ये हुआ और विरोधकों का जो स्वर है वो और तीखे स्वर में आलोचना चालू करेंगे ये राजनीति में होता रहता है चुनाव जीतना हारना ये एक तरफ होता है मुझे लगता है सबसे बड़ा चीज़ अगर क्या है तो वो क्या आप लोगों का विश्वास पा सकते हो क्या आप लोगों के मन में जो एक गवर्नेंस की मॉडल है क्या उसको आप दे रहे हो आज की तारीख में कोई कुछ भी कहे लेकिन मोदी जी की जो इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी है वो पॉपुलैरिटी बरकरार है सर रही बात राहुल गांधी की राहुल गांधी का जो परफॉर्मेंस है संसद में लोगों में भारत जोड़ो यात्रा में उसकी बहुत चर्चा हुई तो एक राहुल गांधी अपना एक बना रहे हैं फिर भी अमेरिका का टूर हुआ उनका और रिजर्वेशन के बारे में उन्होंने जो भी कहा पूरा ट्विस्ट करके बात सुनाई गई राहुल गांधी ने कहा था कि हम लोग आरक्षण तब बंद करेंगे जब इंडिया में फेयर सिचुएशन होगी तो ये सर ट्विस्ट जो स्टेटमेंट ट्विस्ट करने का मुद्दा है राहुल गांधी को टारगेट करने का मुद्दा है क्या देखते हो आप बहुत सारे राजनीतिक राजनीतिज्ञों के और समाज जीवन में जो लोग हैं इनके स्टेटमेंट ट्विस्ट किए जाते हैं लेकिन राहुल गांधी जी इसके पहले भी जब जब विदेश गए हैं तो उनके कई स्टेटमेंट हैं जो इस देश के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाले उन्होंने स्टेटमेंट किए हैं फॉर एग्जांपल चाहे वो ऑक्सफोर्ड में उन्होंने इस देश के इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आपको आना है हम्म ये जो स्टेटमेंट था तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं सर राहुल गांधी क्षतिग्रस्त करने की बात हो रही थी और वो उन ऐसे ताकतों के साथ बात कर रहे थे जो ताकतें भारत को ताकतवर देखना नहीं चाहते तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट दुनिया के सामने है मुझे लगता है कि लोग जो उन्होंने कहा है और जैसा आप कहती है कि वो ट्विस्ट किया गया ये दोनों दुनिया के सामने हैं लोग इसका फैसला करेंगे कि इसमें सही क्या था और गलत क्या था उनका जो तीसरा उनका परफॉर्मेंस था कि लोकसभा में हालांकि कांग्रेस इंप्रूव जरूर हुआ है लेकिन उस पैमाने तक नहीं पहुंचा है कि जिसको जीत कहा जा सकता है अच्छा तो, तो इम्प्रूव जरूर हुआ है नंबर्स तो इंप्रूव किए हैं लेकिन क्या मतों की संख्या बढ़ गई है तो मतों की संख्या उनकी बढ़ गई क्या उनकी एक्सेप्टेबिलिटी विद इन अक्रॉस दी अपोजिशन पार्टी लाइन है तो हाँ उसमें थोड़ा इजाफा जरूर हुआ जी, है चर्चा के मुद्दे है लेकिन सर आप नरेंद्र मोदी की तीसरी टर्म को कैसे देखते हैं और आप राहुल गांधी का भविष्य क्या देखते हैं राहुल गांधी टिल 29 विल बी डेफिनेटली अपोजिशन लीडर उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है जो नहीं। कि आपके अगर प्रश्न का पॉइंट उसकी तरफ है तो ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज हो रहा और दो तक आ, मुझे लगता है मोदी जी की सरकार मज़बूत तरीके से इस देश में राज करेगी मोदी जी पचहत्तर के होंगे उसके बाद भी प्रधानमंत्री रहेंगे टर्म शुरू रहेगी। अब वो पचहत्तर के बाद प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये उनके पार्टी के अंदरूनी नियम और उसके ऊपर आधार पर निश्चित करता है या उनके खुद के इसके आधार पर निश्चित करता है परंतु तो आज की तारीख में दो तक बीजेपी की सरकार रहेगी इसमें कोई दो राय नहीं क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे कांग्रेस पर चाहते हैं क्या अच्छा या अपोजिशन चाहता है क्या ये सब करना नहीं, अपोजिशन आप, की बात छोड़ो आप, आपको क्या अपोजिशन अपोजिशन को अगर छोड़े तो क्या ये इतनी सीटें ला सकते हैं अच्छा आप आप वो भी देख लीजिए प्रधानमंत्री तो आप भी बनना चाहेंगी क्या हम चुन के ला सकते हैं ये विश्लिष तो बहुत होती है सपने तो बहुत सारे लोग देखते हैं हर सांसद देखता है सपना कि मुझे कोई मंत्री पद मिले या मिले लेकिन क्षमता गुणवत्ता और कंसिस्टेंसी ये भी तो देखना चाहिए ना ये परफॉर्मेंस आएगा क्या अगर वो परफॉर्मेंस लाते और अपने पिताजी की तरह 415 सीटें चुन के लाते हैं तो जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे 415 सीटें लाए तो सही जैसे आप बोल रहे हैं सर महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है वैसे नेशनल पॉलिटिक्स में भी कुछ, कुछ भी, भी हो सकता है।, है कुछ भी हो सकता है और ख्वाब देखना कोई गलत बात नहीं है ख्वाब तो बिल्कुल देखनी चाहिए <laughs> ख्वाब तो देखने चाहिए और चुनाव में लोग कहेंगे कि ये ख्वाब सही है या गलत है उदय सर बहुत बहुत शुक्रिया वन इंडिया हिंदी से बात करने के लिए वन इंडिया हिंदी ये हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू